हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया, इंडियन फूड प्रिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं पालक का एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता, जिसमें मैंने कुछ सब्जियों का भी यूज़ किया है और बहुत कम तेल में इसे हम बनाएंगे। रोज़ एक ही प्रकार का नाश्ता खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं तो इस तरीके से ये नाश्ता आप भी बनाइए। तो मैंने लिया है ये पालक, जिसे पानी से अच्छे से धो लिया है और साथ ही मैंने इसे बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और मैंने इसमें कुछ सब्जियां भी डाली हैं। तो मैंने लिया है गाजर, जिसे बारीक टुकड़ों में पहले ही कट करके रख लिया था। आप चाहे तो अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं या चाहे पालक से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरा प्याज और इसी में मैं डाल रही हूँ एक कटोरी बेसन। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे दही, दही जो है हमारी ताजी होनी चाहिए और इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसी में हम डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर ये आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च पाउडर स्किप कर सकते हैं। अब इसी में मैं डाल दूंगी एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब सभी चीज़ों को हमें मिलाना है। अभी देखिए ये आपको बहुत ही भरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं मिलाऊंगी तो ये धीरे धीरे आपको कम दिखाई देगा। देखिए पालक ये पूरा भरा हुआ था, अब मिलाने के बाद ये कम हो गया है। अब चम्मच को हम हटा देंगे और इसमें जो पालक लगा हुआ है उसे भी निकाल लेंगे और फिर हम हाथों की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। तो अब मैं हाथों की सहायता से इसे मिक्स कर रही हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा मिक्सचर है ये और कम हो जाएगा, क्योंकि पालक पानी छोड़ करके बेसन को और गीला कर देगा तो मिक्सचर हमारा जो है कम हो जाएगा। तो ये देखिए कितना कम हो गया है। और अगर आपको लगता है कि हमारा जो ये मिश्रण है ये गीला है तो इसके अंदर आप बेसन और ऐड कर सकते हैं या तो आप सूजी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी आधा कटोरी सूजी। अब सूजी डालने के बाद उसको भी हम मिला लेंगे तो थोड़ा हमारा जो मिश्रण है वो सूखा हो जाएगा। अब इसी के अंदर हम ऐड करेंगे एक छोटा सा चम्मच तेल। तेल डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा मिश्रण बन करके रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इस नाश्ते को हम भाप में पकाएंगे तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम 2 ग्लास के करीब पानी डाल देंगे। अब इसी के अंदर हम स्टैंड रख देंगे, आप चाहे तो इसकी जगह पर एक कटोरी भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक ये मैंने एक केक टिन लिया है, इसके अंदर हम तेल लगा देंगे। चारों तरफ फैला करके हमें तेल लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने तेल लगा लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने बैटर बनाया था उसको डाल देंगे। और बैटर को अच्छे तरीके से डालने के बाद अब बैटर को हमें केक टिन में अच्छे से फैला देना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे फैला देंगे ताकि ये एक बराबर रहे। तो फ्रेंड्स केक टिन में मैंने नाश्ता डाल दिया है और वहाँ हमारा पानी भी गर्म हो चुका है तो अब हम नाश्ते को उसमें रख देंगे। अब नाश्ता रखने के बाद इसे हमें ढक देना है और ढक करके 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपना नाश्ता चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा नाश्ता अच्छे तरीके से पक चुका है। देखिए मैं हाथ लगा रही हूँ तो इससे पता चल रहा है ये अच्छे से पक गया है। इसको अब हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। और इसे आप चाहे तो एक टूथपिक की सहायता से भी चेक कर सकते हैं, अगर टूथपिक आपका साफ निकला यानी कि हमारा नाश्ता बन गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा नाश्ता ठंडा हो चुका है। चाकू की सहायता से इसके पहले हम किनारे अलग करेंगे और फिर हम इसे पलटेंगे नहीं, इसी में ही हम इसे कट करेंगे। जैसे ढोकले का शेप होता है उस आकार में हम इसे कट कर लेंगे। तो स्क्वायर शेप में मैं इसे कट कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कट कर लिया, एक आपको निकाल करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें इसे अलग कर लेना है। तो चम्मच की सहायता से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी नाश्ते को हम प्लेट में निकाल लेंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से मैंने ये प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही अच्छा और टेस्टी नाश्ता बना है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन मैं इसे अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और उसमें हम डाल देंगे एक परी तेल, और तेल के गर्म होने के बाद इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा तिल, और तिल को भी चटकने तक हम इसे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स तिल हमारा पक चुका है, अब इसी में मैं वो नाश्ता रख दूंगी। तो पहले हम थोड़ा रखेंगे और इसे हमें सेलो फ्राई करना है। एक तरफ जब ये फ्राई हो जाए तब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे, और इस तरीके से अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें पका लेना है। लगातार इसे हमें अलटते पलटते रहना है ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जैसे मैं अलट पलट रही हूँ, इस तरीके से हम अलट पलट के इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा नाश्ता गोल्डन ब्राउन हो चुका है, क्रिस्पी भी हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आपने पालक के पकौड़े तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन मेरे तरीके से आप इस नाश्ते को बनाइए तो सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस नाश्ते को आप गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए या गर्मा गर्म ऐसे ही खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही, देखिए क्रिस्पी नाश्ता बन करके रेडी हुआ है। तो इस नाश्ते को आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।